नमस्कार, आपके साथ मैं वनामिका अजय मिश्रा। नगर निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी को उम्मीद थी कि बीजेपी इस चुनाव में भी गठबंधन धर्म निभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा करके बीजेपी ने उन विधायकों, सांसदों और नेताओं की बात को भी महत्व दिया है जो इस गठबंधन को चलाने के हक में नहीं थे। इसके साथ ही अब ये तय सा हो गया है कि बीजेपी जेजेपी 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव हर हाल में अलग अलग लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी और जेजेपी में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है? रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला, गठबंधन पर चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का लिया फैसला। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दी जानकारी। क्या बीजेपी जेजेपी के रास्ते हुए अलग अलग? विधानसभा चुनाव के फाइनल से पहले होने वाले निकाय चुनावों को सेमीफाइनल कहा जाता है और इसी सेमीफाइनल चुनाव में बीजेपी जेजेपी ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया निकाय चुनाव गठबंधन पर नहीं लड़ेंगे, बीजेपी अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी। नगर परिषद का चुनाव बीजेपी सिंबल पर लड़ेगी। नगर पालिका का फैसला बीजेपी की जिला इकाई करेगी। चुनाव को लेकर 1 जून को पंचकुला में बैठक होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के इस फैसले के बाद गठबंधन सरकार के लंबा चलने की आस अब बिल्कुल खत्म सी हो गई है। बीजेपी जेजेपी के बीच गठबंधन को लेकर पड़ी दरार ऐसी गहरी हो गई है जो किसी भी समय दोनों दलों के रिश्तों को भर भुरा कर ध्वस्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आज निर्णय किया गया है कि नगर परिषद नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी नगर परिषदों में सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये सैद्धांतिक फैसला लिया गया है। नगर पालिका और वार्डों के चुनाव जिला इकाई पर छोड़ेंगे। जो जिला इकाइयां नगर पालिका में सिंबल पर जाना चाहती है उनको सिंबल की अनुमति देंगे और इसी तरह से सभी वार्डों में जहां जहां जिला इकाई सिंबल पर जाना चाहती है उनको सिंबल पर जाने की अनुमति देंगे। इन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी। पार्टी का ये निर्णय 1 तारीख को पार्टी की इलेक्शन कमेटी की बैठक, चुनाव समिति की अगली मीटिंग पंचकुला कार्यालय पर होगी और जिसमें इस प्रकार का निर्णय किया जाएगा। उससे पहले हर जिले में एक पर्यवेक्षक भेजने का निर्णय किया है। जिले की जो हमारी टोली है उसके साथ हमारे पर्यवेक्षक बैठेंगे। उस टोली में उस जिले के पालक, उस जिले के प्रभारी, उस जिले के अध्यक्ष, उस जिले से जुड़े हुए सांसद और जहाँ का चुनाव है वहाँ के विधायक और 2019 के कैंडिडेट और जिनको चुनाव प्रभारी लगाया हुआ है इनसे राय मशवरा करेंगे 20 और 31 तारीख को और उसके बाद वो रिपोर्ट लेकर पंचकुला पहुँचेंगे जिसमें अंतिम निर्णय किया जाए। बताया जाता है कि गठबंधन की राह अलग अलग होने की नींव पंचकुला में आयोजित बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ही पड़ गई थी, लेकिन हिसार में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ने और अकेले ही शहरी निकाय चुनाव लड़ने की सलाह देकर पार्टी नेतृत्व को इसके लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया था। और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में अनौपचारिक रूप से बीजेपी जेजेपी के बिखरते राजनीतिक रिश्तों पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही अब ये भी तय सा हो गया है कि बीजेपी जेजेपी 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव हर हाल में अलग अलग लड़ेंगे और ऐसा करके बीजेपी ने उन विधायकों, सांसदों और नेताओं की बात को भी महत्व दिया है जो इस गठबंधन को चलाने के हक में नहीं थे। अब पंचकुला में 1 जून को होने वाली बैठक में बीजेपी ये तय करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा। इस बैठक से पहले 30 और 31 मई को हर जिले में बैठक होगी। प्रदेश से एक ऑब्जर्वर भेजा जाएगा और जिले की टोली के साथ पर्यवेक्षक बैठक करेंगे। टोली में जिले के प्रभारी, जिला अध्यक्ष, सांसद, क्षेत्र का विधायक या पिछले चुनाव में लड़ चुके उम्मीदवार होंगे।
नगर निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी को ये पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी इस चुनाव में भी गठबंधन धर्म निभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब देखना होगा कि जेजेपी आगे क्या प्लानिंग करेगी। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या बीजेपी जेजेपी गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ केवल ढींगरा है कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, और अजय गुलिया साहब जुड़ गए हैं जेजेपी प्रवक्ता। आप तीनों को नमस्कार, आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। अजय साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, सब ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल अनामिका जी, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, हम लोग हमेशा गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग हैं। और ये अब देखिए हम लोगों ने, मैं आपको एक चीज स्पष्ट करूं, आवाज उठाइए जरा इनकी। नहीं देखिए अनामिका जी, मैं एक चीज आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद हरियाणा प्रदेश की सरकार के गठन के लिए गठबंधन किया था। हम तो लोकसभा का चुनाव भी अलग अलग लड़े थे, हमने कोई पार्टी का विलय थोड़ी किया, हरियाणा प्रदेश की सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया था। उसके बाद अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि अलग अलग चुनाव लड़ना, बिल्कुल लड़ना चाहिए, वो एक अलग राजनीतिक दल है, उनकी सोच है। और देखिए मैं तो चीज मानता हूँ, कोई भी जीत करके आए इन चुनाव में, वो जीत गांव की जीत होगी, ये आपसी भाईचारे का चुनाव है। पार्टियां अलग अलग लड़े, साथ लड़े, वो एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विषय अगर सोच ये है अलग चुनाव लड़ेंगे तो जननायक जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और हमारे तकरीबन उम्मीदवार भी तैयार हैं। बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव की तैयारियां जननायक जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और बहुत बेहतरीन चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर, और हम आशा करते हैं कि लोग वोट के रूप में अपना आशीर्वाद हमें देने का काम करेंगे। जो निर्णय इस सरकार ने, 2.5 साल की सरकार ने लिए हैं, वो निर्णय लेकर के जो काम, जो वादे हमने लोगों से किए थे चुनाव से पहले, जितने हम पूरे कर सके उन कामों को, उन वादों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, जरूर जनता का आशीर्वाद। आपके सामने तो अजीब सी अभी स्थिति हो गई है, जिन कामों को आप गिनाएंगे वो बीजेपी भी गिनाएगी, तो लोग आपको क्यों चुनेंगे? नहीं ये तो तय हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे ना। देखिए अनामिका जी, ये तो तय है कि जो हमारी मैनिफेस्टो में चीजें थी या जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में चीजें थी, वो दोनों थी एक कॉमन। अलग अलग मैनिफेस्टो क्यों देखेंगे? आपने बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर दिया था ना। नहीं बिल्कुल बना, लेकिन आज ये लोग देखिए, लोग आज तो फैसला लोगों ने करना है कि जननायक जनता पार्टी मान करके चलो कि 10 वादे करके लोगों ने हमें वोट दिया, आज ये लोग तय करेंगे कि ये लोग अपने 50% वादे 2.5 साल में पूरे कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर इन्होंने 40 भी किए तो लोग ये कहेंगे कि 10 विधायक थे, 2.5 साल के समय में इन्होंने अपने, मान के चलो कि जो वादे इन्होंने आधे पूरे कर देने चाहिए थे, अगर वो 40% भी उन्होंने पूरे कर दिए तो लोग इस बारे में विश्वास करेंगे और जरूर हमें वोट देंगे कि बाकी के बचे हुए समय में बाकी का वादे भी अपने पूरे करेंगे, और जो वादे हरियाणा प्रदेश की जनता से के लोगों के बीच में करके उन्होंने हमें इतने भारी बहुमत दिया था, एक 10 महीने पुरानी पार्टी को 10 विधायक दिए थे, तो लोग ये जरूर सोचेंगे कि ये लोग अपने कहे के अनुसार काम करने वाले लोग हैं। बीजेपी के इस फैसले से सर वाकई थोड़ा भी परेशान नहीं हुए आप लोग? देखिए मैडम मैं एक चीज मानता हूँ, बुरा लगा आपको कहीं कि गठबंधन धर्म हम निभा रहे हैं? आप बार बार कह रहे हैं हम लोग तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी अकेले लड़ना चाहती है तो अलग अलग पार्टी तो है ही, तो वो लड़ सकती है, हम भी अलग लड़ रहे हैं, हम लोग गठबंधन निभा रहे हैं। अगर बीजेपी अकेले लड़ना चाहती है, बीजेपी की ये सोच है, ये कहकर मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, बीजेपी गठबंधन धर्म नहीं निभा रही? नहीं देखिए अनामिका जी, मैंने चर्चा की शुरुआत में भी एक बात करी, फिर मैं इसको दोबारा कह देता हूँ। देखिए हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव अलग लड़ा, विधानसभा का भी चुनाव हम लोगों ने अलग लड़ा, उसके बाद स्थितियां ऐसी हुई, लोगों से राय मशवरे करके हमने हरियाणा प्रदेश की सरकार का, एक साझा सरकार का गठन किया, कोई पार्टी का विलय थोड़ी है, एक साझा सरकार का गठन हम लोगों ने कर रखा है। उसके बाद निकाय चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी, नहीं पार्टी का विलय का क्या मतलब है सर, गठबंधन में भी सीटें बांटकर अलग अलग एक साथ चुनाव लड़ा जा सकता है? नहीं हो सकता उस बात, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना पार्टी के। आप मेरे सवाल को साइड कर रहे हैं अजय गुलिया साहब, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं सीधे पूछ रही हूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि हमने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, हम वो पार्टी हैं, लेकिन आप लेकिन लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी ऐसा सोच रखती है कि वो अकेले लड़ना चाहती है तो वो लड़ सकती है, वो स्वतंत्र है, मतलब क्या है, वो गठबंधन धर्म नहीं निभा रही? नहीं अनामिका जी मैं एक चीज स्पष्ट कर रही हूँ, देखिए हम लोग जो लोग
आज सरकार चला रहे हैं। जननायक जनता पार्टी हमारी एक सोच थी कि इतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच ये रही होगी कि नहीं इनको इतनी सीटें नहीं देनी चाहिए। अब आप लोग बैठ के बात किए थे इस पर? चर्चा तो बिल्कुल हुई इस बारे में, दोनों पार्टियों की समन्वय समिति बिल्कुल चर्चा हुई। लेकिन हो सकता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो देखिए मैं कोई आधिकारिक बयान दे नहीं सकता हूँ, जननायक सीटों पर नेगोशिएशन नहीं हुआ इसलिए फैसला आया सर कह रहे हैं आप? बिल्कुल मेरा ही मानना। आपका ये मानना है? शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, जी गठबंधन में क्यों कहा जा रहा है कि आपके इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं दरार दिखने लगी है, ये प्रश्न, ये सवाल कैसे उठ खड़ा हुआ? आप लोगों को कहीं लग रहा है कि जेजेपी आपसे थोड़ी नाराज हो गई है? देखिए ये प्रश्न तो नहीं, नहीं देखिए ये प्रश्न तो मीडिया का है, उनका जायज है कि प्रश्न करना, लेकिन मैं एक थ्योरी पर हूँ। मैंने कल चर्चा में भी ये बात रखी थी, आवाज बढ़ाइए, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का प्री प्री पोल अलायंस नहीं है, आफ्टर पोल अलायंस है हमारा, और मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार चला रहे, क्योंकि न तो इनके पास बहुमत था न हमारे पास बहुमत था, तो हरियाणा की जनता को एक स्थिर सरकार देने के लिए ये एक आवश्यक था। और इसके ऊपर गठबंधन टूटेगा मुझे नहीं लगता, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम सरकार चलाने का है, आगे चुनाव लड़ने का नहीं है, वो तो निर्णय बाद के बात है। अब आई स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कि स्थानीय निकाय चुनाव में जेजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। मैं मानता हूं कि जेजेपी को ही ये बात कहनी चाहिए थी कि ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है विशेषकर शहरी क्षेत्रों के, या भारतीय जनता पार्टी का आधार हम ही नहीं चौधरी देवीलाल 1987 से आरंभ करते हैं तो ही ध्यान में आता है कि चौधरी देवीलाल के समय हरियाणा के जो शहरी क्षेत्र थे उनके लिए बीजेपी आरक्षित रहती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में वो रहते थे। और इसीलिए यह सब मान के चलना चाहिए कि शहरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी के नाते उनका जनाधार व्यापक रहता है, तो हमें चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो बीजेपी का क्षेत्र है। और जब ऐसा यदि बयान आता जेजेपी की ओर से तो फिर आगे के बाकी चुनावों के ऊपर चर्चा होती, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर तालमेल नहीं हुआ तो सरकार चलती रहेगी, चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर बहुत लंबे समय से तैयारी कर रही है, और वो शहरी क्षेत्रों को फोकस करके पहले से रही है। आज तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई बूथ ऐसा नहीं है जिस बूथ के ऊपर हमारी टीम ना हो और हमारा वोट ना हो, लेकिन वहां बड़ा है तो शहर में भी बड़ा है, शहर में हमारी व्यापकता और अधिक हुई है। तो जेजेपी को छोटे हिस्से के नाते उनको ये कहना चाहिए था कि शहरी क्षेत्रों पर बीजेपी की अपनी व्यवस्था रहती है, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, हमें जैसा सहयोग करेंगे वैसा मांगेंगे वैसा सहयोग हम करेंगे, तो फिर ये चीजें इस चुनाव में भी ठीक होती। लेकिन इस चुनाव में यदि गठबंधन में नहीं है तो सरकार में कोई मतभेद है या नेताओं में मतभेद है ऐसा मैं मानता नहीं। क्या कहना चाहिए था जेजेपी को और उन्होंने क्या कहा, इस पर मैं आऊंगी अजय साहब, जरा मैं कांग्रेस की भी एक प्रतिक्रिया ले लूं। केवल ढींगरा जी, आपको क्या लग रहा है गठबंधन में आप दरार देख रहे हैं क्या, कि आपसी मन अब खट्टे होने लगे हैं? सवाल है। बीजेपी एक घमंडी पार्टी है, ये घमंड जो है इन्हीं को लेके डूबेगा, और बीजेपी और जेजेपी ने एक दूसरे को लूट के मामले में बहुत आपस में एक दूसरे को ढोया है। आपको याद होगा जिसमें इलेक्शन चल रहा था विधानसभा का, तो जेजेपी पानी पी पी कर बीजेपी को कोसती थी और ये कहती थी हम यमुना पार पहुंचा देंगे। हाँ। लेकिन जब सीटें 10 इंच की आ गई और 40 इंच की आ गई तो एक दूसरे की काठी पे सवार हो गए। अभी इन्होंने इस तरह से जो महंगाई और इस चरम सीमा पर बेरोजगारी और जिस तरीके से किसानों की हालत, जिस तरह से हालात को खराब कर दिए पूरे देश प्रदेश के, तो एक दूसरे की लूट खसूट जो प्रदेश के अंदर मच रही है वो ये दोनों कर रहे हैं, बीजेपी भी लूट रही है और जेजेपी भी लूट रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इलेक्शन आता है तो दोनों एक दूसरे को सत्ता करने की भी बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है प्रदेश के अंदर आम लोग लूटा जा रहा है, चाहे वो बेरोजगारी में चाहे उसमें। अब उनके उनके पास तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि इन्होंने
मैं जवाब के लिए आऊंगी शास्त्री जी, पहले जरा आपने जो कहा उस पर मैं अजय जी को सुनूं। अजय जी नहीं, अनामिका जी एक बार इनके की पॉइंट दोहरा देंगी, क्योंकि मैं इनकी बात बीच में आपकी लाइन डिस्कनेक्ट होने की वजह से सुन नहीं पाया था। मैं शास्त्री जी से ही कह देती हूँ, वो आपको थोड़ा ब्रीफ कर देंगे, और साथ में आप जवाब भी दे दीजिएगा सर केवल ढींगरा साहब को। देखिए अनामिका जी, मैं अपने मित्र अजय गुलिया जी से, पार्टी के नेताओं से ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, लंबे समय से एक विचारधारा और एक कार्य पद्धति पर चलता आया संगठन है, और उस जिसको यदि हम जेजेपी कहें, उनके पूर्ववर्ती प्रदादा चौधरी देवीलाल के साथ वे भारतीय जनता पार्टी की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भारतीय जनता पार्टी की साझे सरकारें रही है, और जब उन दोनों के साथ भी रहते थे, क्योंकि वोट शेयर उनके में से ही जेजेपी के पास आया है, वही एक धरातल और वो एक बेस था, तो जेजेपी को बड़ा मन करके ये हम छोटे हिस्सेदार हैं, वैसे बीजेपी बड़े हिस्से में है, और भारतीय जनता पार्टी का बेस क्योंकि उस समय से माना जा रहा है कि हम शहरों से बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े हैं, तो शहरी क्षेत्र में भाजपा की बड़ी पकड़ है, और हम सबको बड़ा मन करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नाते हमसे जो अपेक्षा करेगी, सहयोग चाहेगी, वो हम देंगे, ये मेरा कहना था। और इसके कारण से चुनाव में कोई बात नहीं आती, लेकिन चुनाव के बाद भी गठबंधन में राज्य सरकार में कोई बात आएगी, इसमें मुझे कुछ नहीं लगता। और जो बात कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता महोदय, ये बड़े एक्सपर्ट है भाषण देने में, लेकिन इनको जब अपनी बात खुद कटती है तो समझ में नहीं आता इनको। ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर हरियाणा को लूट रहे हैं, तो भाई दोनों मिलकर लूट रहे हैं तो फिर लूट बंद क्यों करें? मेरे घर में लड्डू आ रहे हैं और मैं जानबूझ के ठोकर मार रहा हूं। जब दोनों मिलकर लूट रहे हैं तो फिर जेजेपी भी नहीं करी हम अलग होंगे, हम भी नहीं करे अलग होंगे, तो फिर लूट का हिस्सा क्यों नहीं? इसलिए कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस की नीति और नियत और नेता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी न अपने पार्टनर्स के साथ काम करती और न जनता के साथ काम करती। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी कार्य पद्धति को लेकर सतत निरंतर चलने वाला संगठन है, जो भ्रष्टाचार को सहन करने वाला नहीं है, भ्रष्टाचारी नेताओं को सहन करने वाला नहीं है, और कार्य पद्धति के आधार के ऊपर हम अपने काम को और अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कांग्रेस को तो इस समय बोलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि पिछले चार इनके प्रदेश अध्यक्ष बन चुके जो अपनी टीम नहीं बना सके, अभी भी पहली बार कह रहे थे कि अब सब कुछ बनेगा, चार अध्यक्ष बना दिए प्रदेश के, प्रदेश में, और पांचवा सुपर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया, उसके बावजूद भी वो अपनी पहली लिस्ट को अप्रूवल नहीं कर पाए, इसलिए उनका आधार के आधार पर कुछ नहीं बनता। ठीक है अजय जी, बड़ा मन करके जेजेपी चुनाव लड़े, बीजेपी से कोई सहयोग चाहिए होगा तो बीजेपी देगी। नहीं अनामिका जी, वही बात, देखिए जो बात मैंने कही थी वही बात सत्यव्रत शास्त्री जी ने आगे बढ़ा दी। इनकी सोच ये थी कि ये लोग अलायंस के अंदर सीनियर पार्टनर है, इनके 40 विधायक है, हमारे 10 विधायक है, ये बात ना मेरे कह देने से बदल जाएगी ना किसी के कह देने से बदल जाएगी। ये सीनियर पार्टनर है अलायंस के अंदर, इनके 40 है, हमारे 10 है। इनकी सोच थी कि ज्यादा सीटें इनको मिले, परंतु जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मंशा थी, उनकी एक सोच थी, उनकी एक इच्छा थी कि जननायक जनता पार्टी भी अपनी हिस्सेदारी के अनुसार हरियाणा प्रदेश के निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच ये थी कि ज्यादा प्रत्याशी इनके हों, तो अंत में मैं ये मानता हूँ, देखिए उनका भी अपना अधिकार बनता है, भारतीय जनता पार्टी का भी अधिकार बनता है कि ज्यादा से ज्यादा उनके जीत कहें, यही अधिकार जननायक जनता पार्टी का बनता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि कांग्रेस का विरोधी होने के नाते भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस की भी यही मंशा रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के जीत करके आए, तो यही सोच थी। इसी बात को लेकर के निर्णय नहीं हो सका, तो जननायक जनता पार्टी अपनी सीटें कम नहीं करना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी उस गिनती को बढ़ाना नहीं चाहती थी। और एक बात सत्यव्रत शास्त्री जी ने बहुत ठीक कही कि हमारा प्री पोल अलायंस नहीं है, हमारा तो पोस्ट पोल अलायंस है, और ये इससे हरियाणा प्रदेश की सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। और इन निकाय चुनाव में एक चीज और कह दूं मैं अनामिका जी, बहुत बड़ी बात, ये निकाय चुनाव तो भाईचारे का चुनाव है, गांव जिसको जिता करके आएगा वही सरकार का होगा, सरकार ने उस व्यक्ति को जिसको गांव ने जिता करके भेजा है उस व्यक्ति को
फंड्स मुहैया करा करके उस व्यक्ति को पावर दे करके उसको काम करने की शक्ति दे करके उसको इस प्रकार से करना चाहिए कि वो गांव का विकास करा सके, क्योंकि गांव ने उसको चुन करके भेजा है। जो भी जीत करके आएगा वो गांव द्वारा जिताया व्यक्ति होगा। और सरकार की तरफ से एक चीज मैं अश्योरेंस देना चाहता हूँ, वो किसी भी राजनीतिक दल का जीत करके आए या कोई भी बिना राजनीतिक दल का भी जीत करके आएगा, सरकार उसको सशक्त करने का काम करेगी ताकि वो गाँव के लिए काम कर सके। अजय जी, शास्त्री जी, सवाल आपके लिए भी है, पहले अजय जी से जवाब चाहूंगी। क्या निकाय चुनाव पर बीजेपी के इस फैसले के बाद अब ये तय हो गया है कि 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव आप लोग अलग अलग लड़ेंगे? अजय जी, देखिए नामिका जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, 17% वोट हम 10 महीने पुरानी पार्टी लेकर के आए थे और अब हमारी पार्टी ने 2.5 साल सरकार में रही, लोगों की इच्छा के अनुसार काम भी किए, तो हमारी सोच ये रहेगी, हमारी ये सोच रहेगी कि हमारी हिस्सेदारी के अनुरूप हमें सीटें मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें हिस्सेदारी के अनुरूप सीटें देगी तो गठबंधन जारी रहेगा, अगर हिस्सेदारी के अनुरूप सीटें नहीं मिलेंगी पंचायत में, सर छोटी सरकार में नहीं दी तो बड़ी पंचायत में देंगे? नहीं, वो तो मैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, इसमें नहीं दी, उसमें दी, नहीं दी, मैं तो उसके लिए भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमारी एक हिस्सेदारी अपने अनुपात में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर उस पर नेगोशिएट और बातचीत करने को तैयार है ना, तो ये भी स्वतंत्र है। हमने तो हरियाणा प्रदेश को एक मजबूत सरकार 5 साल के देने के लिए अलायंस किया था, अपनी मांगे उनके सामने रखी थी। थोड़ा सा सुर बदला है बीजेपी के इस फैसले के आने के बाद, इसे आप लोग माने ना माने, पहले आप लोग लगातार ये कहते रहे अजय साहब आप भी कि गठबंधन में लड़ेंगे, गठबंधन में है हम सरकार में तो गठबंधन में ही लड़ेंगे। अब जब ये फैसला आ गया, सर सुनिए ना, अनुपात की बात तो आज हो रही है, जब ये फैसला आ गया कि हम अकेले लड़ने जा रहे बीजेपी ने कहा, तो अब आप लोग कहने लगे कि रेशियो पर बात नहीं बनी थी। आगे के लिए जब सवाल मैंने पूछा तो आप लोग कह रहे अगर हमें, हम जो अनुपात चाहते हैं उस अनुपात की सीटें हमें मिली तब, तो ये थोड़ा सा बातचीत का जो अंदाज है वो बदला है। अब आप ये नहीं कह रहे कि गठबंधन में है, गठबंधन में लड़ेंगे, थोड़ा सा बदलाव तो आ ही गया है, आप इसे स्वीकार करें या ना करें। शास्त्री जी, देखिए अनामिका जी, आप बहुत चतुर पत्रकार हैं और हर किसी से अंदर की बात निकलवाना चाहते हैं और अंदर की बोलते भी हैं क्योंकि जनता सुन रही है। आप तो एक मीडिया अंदर की बात है, जनता के सामने वो बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन सुनिए सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चुनाव की एक कसौटी होता है, एक समय होता है और एक परिस्थिति होती है, और उस समय वो सब निर्णय किए जाते हैं। अब वर्तमान में स्थानीय निकाय चुनाव की चर्चा है, उस स्थानीय निकाय चुनाव में मैंने जैसा कहा ऐसी परिस्थिति बनती तो ये आगे होता, और अगले चुनाव के बारे में ये हरियाणा, इनका जेजेपी का तो स्ट्रक्चर हरियाणा में है, निर्णय इन्हीं लोगों को करना है, हमें अपना निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर करना हो, तो हमारा नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व तो किसके साथ अलायंस करना नहीं करना वो निर्णय करते हैं। जेजेपी के साथ अलायंस करना है नहीं करना, तो अभी कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, कांग्रेस मजबूती के साथ निकाय के रण में उतरेगी, मजबूती से कांग्रेस उतरेगी। लेकिन मैं इनकी दोनों की बातें सुन रहा था और ये आपको एक आश्वस्त बात कराता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी हमारे टाइम के अंदर 2300 करोड़ का बजट था जब हम सत्ता में आए थे, और जिस समय हम गए थे 2014 के अंदर तो 38,000 करोड़ का बजट था, जो कि हमने 14 गुना काम करने का, बजट को बढ़ाने का काम किया था। और इस प्रदेश में इस समय जो जनता ने जिस तरह से इन लोगों ने, कोई बात नहीं, मेरी बात कर दी है वो बीच में बोल आ गया, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से बीजेपी ने और जेजेपी ने लूटा है, महंगाई और बेरोजगारी और क्राइम का प्रदेश एक तरफ से बढ़ रहा है, इसके बीच में इलेक्शन होगा तो लोग इनको जवाब देने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि रीजन चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। नहीं अजय साहब माफ़ कीजिएगा सर, वक्त नहीं है, एक घंटे का डिबेट होता तो ज़रूर वक्त दे देती। तो गठबंधन में दरार है या नहीं है या भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं वो वही कि हम अकेले लड़ रहे हैं, आप अकेले अपना रास्ता देखिए निकाय के रण में, इतना तो गठबंधन की ओर से निकल कर सामने आ ही गया है। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़, और भी सुर्खियों के साथ लौट कर आते रहेंगे।